महादेव आप लोगों को सूचना के लिए बता दें कि बहुत सारे बम सभी बम लगभग में आगे निकल चुके हैं और कुछ ही बम पीछे है फिर भी पीछे ही बम है, लेकिन लगभग में बहुत सारे बम हैं जो कि बहुत बम देख सकते हैं। यहाँ से लाइन लगा हुआ है पूरे लंबा आगे तक है, हम हैं बीच में और अकेले और सभी बम पीछे है। तो चलिए निकलते हैं सब लोगों से आगे बम से, तो देखते हैं कितना देर में निकलते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी कमलपुर, और कमलपुर में रुके हुए हैं, यहाँ पे स्कूल है, स्कूल से रुके हुए हैं हम लोग अभी, और सभी बम आ गए हैं और बम इधर हैं और बम आ ही रहे हैं अभी फिलहाल, तो सभी बम आ रहे हैं। तब तक यहाँ पर वेट करते हैं और सभी लोगों को आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो निकलते ही आप लोगों को अपडेट देंगे, तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव। और यहीं पर जस्ट बगल में स्कूल के बगल में आप लोग दुर्गा माता का मंदिर है, देख सकते हैं जहाँ पे काम चल रहा है। तो एक बार प्रेम से लिखिएगा जय माता दी और बने रहिए वीडियो में हर हर महादेव। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए केला सेब सभी ये भक्तों के लिए आया हुआ है, बम लोगों के लिए, और सभी बम लोगों में भी बटेगा और उसके बाद यहाँ से खाएंगे, उसके बाद पानी पियेंगे सब, बाद आराम करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिए और देखते हैं अभी रबीर नहीं रहता, ये केमिकल रहता है, ये छूट नहीं रहा है, कब से छुरा है छूटा नहीं दोनों तरफ किसी तरफ नहीं। चले बने रहिए और देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से आगे। हाँ देखिए भक्तों में केला और सेब बट रहा है। एक केला एक सेब भक्तों में बट रहा है सभी बम में, और यहाँ पे लाए हैं कैरेट में। आप लोगों का पाँव भी दुखा है, कोई बम नहीं बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए और देखते हैं आगे। ये आप लोग एक सेब एक केला एकदम मजबूत हो जाइए, उसके बाद फिर चलना है 25 किलोमीटर यहाँ से बाबा के नगरी। बम सब सेब लिया अंता। तो बताइए बम, आपका पाँव भी दुख रहा है, लीजिए बम, पाँव में फोका हो गया, चला दीजिए दो बारे। और बम का गार्डन गार्डन हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे जंग जीत के आए हुए। पैर में कौन सा जंग लगा हुआ है? जंग वो लोहा का जंग लगा था, छूट गया, लेकिन पेपर से घस के छुड़ा दिए। छुड़ा सकते दोस्तों, हम भी ले लेते हैं, मेरा नहीं तो सेब छूट जाएगा। अरे भाई सेब लेते हैं, छूट जाएगा सेब, बम हमको भी दीजिए, मेरा छूट जाएगा। बम जिनको लेना है हमारा छूट जाएगा, सेब मत छोड़ेगा। चलिए हम भी ले लिए हैं सेब और केला, नहीं तो छूट जाता, भूल जाते। तो चलिए अब हम भी खाते हैं। तो बम आप लोगों से मिलते हैं सेब और केला खाने के बाद, थोड़ा एनर्जी बूस्ट होगा, उसके बाद दौड़ेंगे। एनर्जी पावर है, एनर्जी ड्रिंक। अभी हम लोग खा रहे हैं, आप लोग वीडियो में देखिए, घर पे मंगा के खा लीजिएगा। वीडियो में से तो खा नहीं सकते हैं, इसके लिए मंगवाना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, मंगवाइएगा। 120 रुपये 40 रुपये किलो है अच्छा वाला, 160 रुपये किलो, मंगाइए खाइए, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं, शायद जितना भी बचपन से लेके अभी तक पाप किया हुआ अभी दिख रहा है, मुझे लग रहा है नर्क मेरे लिए अलग से तेल गर्म हो रहा है। उसके बाद फ्राई होगा, फ्राई तो होना है, उससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। चलिए दोस्तों बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो देखिए भोले बाबा और पार्वती जी ट्रैक्टर चला रहे हैं, सबके पास पैसे नहीं है, इसीलिए यही अफोर्ड कर सके हम लोग। अभी जो खेत में बुआई हो रहा है उसके लिए चला देंगे हल। महादेव जी चलाइए तो हल। खालिए हैं, चलिए जोत दीजिए थोड़ा खेत को। हर हर महादेव लिख दीजिए एक बार। तो हम महादेव का भी पहने हैं और देखिए कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हम अपना दिख उतार रहे हैं और दे रहे हैं महादेव को, हर हर महादेव।
यहाँ से सभी यात्री लोग यहाँ से बम लोग चले जा रहे हैं और चले गए हैं और हम लोग अब चलेंगे यहाँ से। एक साथ ही ये रहा, वो निकल चुका है कि ये आया है, दवाई खा के आया है। ये लोग ये भी दवाई खाया है, पाँव दुख रहा, पाँव में फोंका हो गया है। तो चलिए चलते हैं, अब हम भी चलेंगे, इसको आने देते हैं, उसके बाद चलेंगे। यहाँ पे ये लोग तो बाइक सवारी हैं, ये लोग बाइक से चलेंगे। आगे आगे चलते हैं, हम लोगों के हेल्प में व्यवस्था करते हैं आगे पहुँच पहुँच के पहले से। तो इन लोगों का तो बात ही नहीं, बाइक से निकलते हैं, हम लोग निकलेंगे पैदल। तो चलिए चलते हैं, वो दोनों आ रहा है पौध होके, उसके बाद निकलते हैं, मिलते हैं आगे आप लोगों से। दोस्तों हम लोग आ गए हैं बिशनपुर चौक पे, देख सकते हैं आप लोग दृश्य और देख के समझ सकते हैं आप लोग भी। बिशनपुर चौक पे हैं, सामने देख सकते हैं और यह टर्निंग भी है। तो चलिए चलेंगे आगे। मेरा एक बॉम्ब है जो कि पीछे है, बहुत पीछे है, लॉक हो चुका है गाइस, कोई बात नहीं, ड्राइव करेंगे आगे। पाँव में फोका हो गया है, तो धीरे धीरे चलता है और होना ही होगा, हो ही जाएगा, क्योंकि पीच इतना गर्म है, इतना हार्ड है, क्या कह सकते हैं, छाले पड़ जा रहे हैं पाँव में। तो आप लोग कभी कांवर लेके आइए तो कभी कभी चला कीजिए खाली पाँव, और ऐसे मत आइए चप्पल पहन पहन के, उसके बाद ट्रैक चलिएगा तो फोंका होना ही है। तो थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिएगा, खाली पाँव चलिएगा, उसके बाद चलिएगा। चले मिलते हैं आगे। हमारे दोस्तों और हमारे साथ जो दो बंदा थे जिसके लिए पीछे हुए थे, वो लोग नहीं चल पा रहे थे, तो वो लोग बाइक से आगे निकल गए हैं और उन लोगों की वजह से हम पीछे रह गए हैं। वैसे रुके हुए तो उनके उन लोग चले गए बाइक से, तो पीछे हो गए, अकेले पड़ गए। आगे आए फिर ये दोनों थे, तो ये दोनों मिल गए हैं। चलिए अब चल रहे हैं आगे। अभी हम लोग सुपौल बाज़ार में हैं, ये देख सकते हैं, अभी हम लोग सुपौल बाज़ार में हैं, इसकी बस स्टैंड क्रॉस किए हैं, और चलिए देखते हैं कितना देर में पकड़ पाते हैं। और हम लोग जल्द के कारण दौड़ रहे हैं हम तीनों, तो चलिए चलते हैं आगे। तो आप लोग कमेंट में लिखे हर हर महादेव, चलिए। तो हम चार बम के चलते हम, और हम यहाँ पे पहुँच पाए हैं बहुत लेट, और यहाँ पे हम आ चुके हैं हाटी में, और यहाँ पे व्यवस्था देख सकते हैं, बहुत कुछ व्यवस्था किया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं केला ठंडा वगैरह दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे भी खाना पीना संगीत संगीत चल रहा है। यहाँ देख सकते पसीना पसीना हो चुका है, और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है, तो हम थोड़ा फ़ोन चार्ज करने का इंतजार करते हैं। और मेरा शांति देख सकते हैं, हमारे साथी का पाँव जख्मी हो चुका है और बहुत ज़्यादा फोका हो चुका है, जख्म हो चुका है, तो चलने में बहुत ज़्यादा और चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, चल नहीं पा रहा है। अभी तो खरीद लिया, इससे पहले तो बाइक लेके आए थे बाइक से, और उसके बाद देख सकते हैं हमें फिर से पट्टी किया हुआ, तो पट्टी खोल के फेंके हैं, और अभी यहाँ पर बैंडेज लगाए हैं। एंड यो कैसा लग रहा है? एकदम मस्त फील हो रहा है, आनंद आ रहा है, जितना पाप किए थे इसी यही पे चुपता हो रहा है, सब पाप निकल रहा है। अच्छेगा कहाँ तक आए हैं, पाँव दुख रहा है, तो चलिए चलते हैं आगे और मिलते हैं आप लोगों से आगे। बम देख सकते हैं, हमारा एक बम और घायल हो चुका है, और पाँव में पट्टी लगा के जा रहे हैं, देख सकते हैं, और चल रहा है, बम बहुत तकलीफ में है। क्या बम पाँव में फोका हो गया है, दुख रहा है? गाड़ी पे चलना है या पैदल ही जाना है? पैदल ही जाना है, पैदल ही जाना है, बोले बम। चलिए दोस्तों, ये लोग बहादुर बम हैं, बहादुर बम, इसको बहादुर बम कहते हैं, इसको कमजोर बम नहीं कहते हैं। आए थे अभी वो पत्रकारिता जो कि न्यूज़ बना के गए हैं, बोले कमजोर बम है ये लोग, कमजोर बम वो हैं जो गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं, बहादुर बम ऐसा होता है जो जख्म होने के बाद भी चलता है। ये बम को भी देख सकते हैं, इनके बम के पाँव में भी जख्म है, तो देख सकते हैं, इसको बहादुर बम बोलते हैं, कमजोर बम नहीं बोलते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव, हर महादेव। तो अभी हम लोग हैं 9 किलोमीटर कुछ स्वस्थान से पीछे, और चलते जा रहे हैं हम लोग अभी, और लग रहा है हम लोगों को कब तक पहुँचेंगे, 7:30 समथिंग में पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है हम लोगों का, नहीं घड़ी में 5:45,
चलिए, और आप लोग हर हर महादेव का सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग प्यार दीजिए। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत पाँव दुख रहा है, धीरे धीरे चल रहे हैं। बंदा कष्ट में, हर हर महादेव किए, बंदा कष्ट में है लेकिन मोबाइल में मस्त है, देखिए। तो ऐसे ही चलते रहिए, हर हर महादेव कहते रहिए, हर हर महादेव।